नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो भी मेमोरी ट्रेनिंग का ही भाग है। आज का जो मेरा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ रिवर, मैं क्या लेने वाला हूँ, ओरिजिन ऑफ रिवर, ठीक है। क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमको चीजें याद नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इसके पहले भी मैंने आप देखे रहे मेरे वीडियो, तो मैंने डैम के ऊपर भी बनाया हुआ है और हमारे रिवर्स के ऊपर भी बनाया हुआ है, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे वीडियो ज्योग्राफी के ऊपर बनाए हुए हैं ऑलरेडी, और आज मैंने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, ओरिजिन के ऊपर भी एक वीडियो अवेलेबल करा देता हूँ। ओरिजिन का अर्थ ये होता है कि जहां से उसका उद्गम स्थान है, किसी भी रिवर का उद्गम स्थान। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, खासकर एसएससी रेलवे एग्जाम में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। उनकी लंबाई कभी कभी पूछ ली जाती है और उनकी ओरिजिन पूछ लिया जाता है, उनकी ट्रिब्यूटरीज पूछ ली जाती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम ट्रिब्यूटरीज ना उनकी लंबाई के बारे में बात करेंगे, हम सिर्फ ओरिजिन के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं कि उनकी ओरिजिन किस जगह पे हुई है, उनको किस टेक्निक से याद कर सकते हैं जो हमको एक ही बार में याद हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं ओरिजिन ऑफ रिवर। तो पहले दिया हुआ है सिंधु ब्रह्मपुत्र, पहला दिया हुआ है सिंधु और ब्रह्मपुत्र। तो अब सिंधु और ब्रह्मपुत्र, जैसे मैं सुनता हूँ सिंधु और ब्रह्मपुत्र, तो मेरे माइंड में आता है साधु और ब्रह्मा, साधु और ब्राह्मण। साधु सिंधु से आता है साधु और ब्रह्मपुत्र से आता है ब्राह्मण, ठीक है। तो अब जब मैं साधु और ब्राह्मण के बारे में सोचता हूँ तो मेरे माइंड में एक वर्ड आता है कि इनका हमेशा मान सम्मान करना चाहिए। क्या करना चाहिए हमको, इनका मान सम्मान करना चाहिए। कोई भी साधु और ब्राह्मण हो तो उनका हम क्या करते हैं, मान सम्मान करते हैं। तो जब हम उनका मान सम्मान कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा मान सरोवर, क्या आएगा, मान सरोवर, ठीक है, मान सरोवर आएगा। नेक्स्ट सिंधु, हमको साधु और ब्राह्मण का क्या करना चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट दिया हुआ झेलम, झेलम का आता है शेषनाग, झेलम का क्या आता है, शेषनाग। अब इसका झेलम का शेषनाग कैसे हो जाएगा, देखो जब हमको नाग ने शेषनाग ने काट लिया तो हम उसको झेलते हैं। झेलम हम कब झेलते हैं, जब हमको बहुत तकलीफ होती है। तो आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि हम झेल रहे हैं, हम बहुत ज्यादा झेल रहे हैं। क्यों झेल रहे हैं, क्योंकि हमको कौन काट लिया, नाग ने काट लिया, हमको पैर में नाग ने काट लिया, हम बहुत झेल कर रहे हैं। झेलम झेल रहे हैं क्योंकि हमको नाग ने काट लिया, तो नाग से क्या हो जाएगा, शेषनाग। नेक्स्ट चिनाब, चिनाब का क्या होता है, बारालाचा, बारालाचा दर्रा से निकलता है ये, तो इसको हम सीधे बारालाचा लिखते हैं। तो अब चिनाब का बारालाचा है, तो अब चिनाब और मैं हमेशा दोनों वर्ड को बनाता हूं, तो यहाँ पे पहले चिनाब का बनाते हैं फिर बारालाचा का बनाएंगे। तो चिनाब से आप बनाएंगे चुनाव, चुनाव जब चुनाव आता है तो हमारे नेता लोग क्या करते हैं, हमको बहुत लालच देते हैं, बड़ा लालच देते हैं, क्या करते हैं, बहुत ज्यादा लालच देते हैं, बड़ा लालच। तो जब चुनाव आता है तो हमारे नेता जो हमारे नगर सेवक होते हैं, जो भी हमारे नेता होते हैं, वो हमको बड़ा बड़ा लालच देते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मुझे वोट दीजिए, ठीक है। अपने वोट को लेने के लिए हमको बड़ा बड़ा लालच देते हैं और हम उनको वोट देते हैं। तो चुनाव जब चुनाव आता है तो क्या आता है, बड़ा लालच देते हैं, तो बारा लाचा, ठीक है, बारा लाचा, लालच लाचा बड़ा बारा। रावी और व्यास, रावी व्यास का है रोहतांग, क्या है, रोहतांग दर्रे से निकलता है, किससे निकलता है, रोहतांग दर्रे से निकलता है। तो अब देखते हैं रोहतांग दर्रे से कैसे निकलता है, रावी और व्यास। तो रावी से क्या हो जाएगा, आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि रवि से क्या होता है, रावी से होता है रवि, तो अगला है रावी व्यास, रावी व्यास से रोहतांग। तो रावी से मैंने क्या, रावी से मैंने बोला रवि, क्या बोला, रावी से रवि। तो आप ऐसा इमेजिन, अब व्यास से प्यास, व्यास से क्या हो जाएगा, प्यास। तो आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि रवि को बहुत प्यास लगी है, रवि को क्या लगी है, बहुत ज्यादा प्यास लगी है और वो रो रहा है, क्या कर रहा है, रो रहा है। तो रवि को बहुत ज्यादा प्यास लगी है और रो के तंग, तांग लिखा है तो रो रो के तंग हो गया, इतना ज्यादा उसको प्यास लग गया है कि वो रो रो के क्या हो गया है, तंग हो गया है, रो रो के तंग हो गया, कौन, रवि। क्यों, क्योंकि रवि को क्या लगी हुई है, प्यास लगी हुई है। नेक्स्ट नर्मदा और सोन, नर्मदा और सोन से क्या कर सकते हैं, नर्मदा को मैंने आपको बताया था नर्मदा नरम गद्दा, क्या बताया था, नर्मदा से नरम गद्दा, और फिर सोन से मैंने क्या बताया था आपको, सोन रिवर, ठीक है। तो आप इसको नरम बोल सकते हो, इसको सोन सोना बोल सकते हो, सोन से क्या बोल सकते हो, सोना, जिसे आप सोते हो ना सोना। तो जब आपको नरम गद, जो नरम गद्दे पे सोता है, ऐसा इमेजिन कीजिए कि जो नर्मदा जो नरम गद्दे पे सोता है, सोता सोना, ठीक है, जो नरम गद्दे पे सोता है वो अमर हो जाता है, क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। तो अमर से सीधी सी बात है कंटक याद आएगा आपको, अमर से कोई दूसरा वर्ड नहीं याद आएगा, अमर से अमर कंटक। तो जो नरम गद्दे पे सोते हैं वो क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं, तो अमर से अमर कंटक। यमुना,
यमुना का बहुत सिंपल है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। यमुना से यमुनोत्री हो जाता है, गंगा से गंगोत्री हो जाता है, ये आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मेमोराइज होते हैं, ठीक है। गंगा से गंगोत्री और यमुना से यमुनोत्री। नेक्स्ट गंडक, महानदी, कावेरी, कृष्णा। अब गंडक है नेपाल से निकलती है, कहां से निकलती है, नेपाल। तो नेपाल, गंडक से गेंडा, गंडक से बनता है गेंडा, तो गेंडा नेपाल, नेपाल। आप बोले अपने भाई को कि देख जो भी पालना है सब पाल, एक वर्ड एक जानवर को छोड़ दिया, उसने पूछा कौन सा जानवर, आपने बोला कि गेंडा, गेंडा को मत पालना बाकी सब पाल, तो गंडक, गेंडा को ना पाल, गेंडा मत पालना बाकी सब पालना, तो गेंडा से गंडक। महानदी, ठीक है, महानदी शिवा, ठीक है, शिवा से निकलती है, तो आपको ये आपको बनाना है, शिवा वाला आपको बनाना है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कैसे बना सकते हैं, महानदी शिवा। अब दिया हुआ कावेरी, कावेरी निकलता है ब्रह्मगिरी से, कहां से निकलता है, ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलता है, तो कावेरी ब्रह्मगिरी से निकलता है। तो आप ऐसा इमेजिन कीजिए, कावेरी कुवारी, कावेरी से क्या हो जाएगा, कुवारी। तो कुवारी, अगर कोई 30-40 साल का एज हो जाए और फिर भी वो कुवारा रहे तो उसके सामने तो ब्रह्मा जी भी गिर जाएंगे, ठीक है। जो 30-40 साल तक भी कुवारा रहे उसके सामने ब्रह्मागिरी, ब्रह्मा जी भी क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, ब्रह्मगिरी। तो कावेरी सुना, तो कावेरी तो कुवारी, तो कुवारी अगर कोई 30-40 साल तक भी कुवारी है तो उसके सामने ब्रह्मा जी भी अपना सर टेक देंगे कि इतने साल तक तो कुवारी कैसे है, कुवारा कैसे है, ठीक है। तो कावेरी से ब्रह्मगिरी। अब कृष्णा, कृष्णा जो है महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है, महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर से कैसा बना सकते हैं, कृष्णा जो है, कृष्ण भगवान आपको पता है कृष्ण भगवान सबसे बलशाली थे, सबसे बलशाली है कृष्ण भगवान, सबसे बलशाली है। तो महा, महा किसको वर्ड बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा महान होता है, तो महाबलेश्वर, उनके पास बल बहुत था, तो महाबल, महाबलेश्वर किसके पास था, कृष्ण भगवान के पास, तो कृष्णा रिवर आएगा तो महाबलेश्वर। नेक्स्ट दिया हुआ है लूनी, ठीक है, नाग पहाड़ी। अब लूनी नाग पहाड़ी से निकलती है, तो आप ऐसा याद कीजिए लूनी को खूनी से, लूनी को क्या करिए, खूनी से याद करिए, लूनी को खूनी से। आपके ऊपर खूनी, खून का एग्जाम इंजाम लगा हुआ है, ठीक है, आपके ऊपर खून करने का इल्जाम लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि आपने खून कर दिया, किसका आपने खून कर दिया, पहाड़ी पर रहते हुए एक नाग का, एक बहुत बड़ा नाग था जिसका आपने खून कर दिया, तो आप खूनी है, तो खूनी से क्या लूनी, तो आपने नाग पे रहते हुए पहाड़ी का बहुत बड़ा नाग था उसका क्या कर दिया, खून कर दिया, तो आप खूनी है, तो लूनी से नाग पहाड़ी, ठीक है। अब चंबल, चंबल का क्या है, चंबल का मैंने आपको बताया था जब मैंने डैम पढ़ा रहा था, तो चंबल का मैंने आपको कुछ इसमें खास नहीं बताया था, तो यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, चंबल ही लेंगे। तो अब चंबल का आप मुझे बताएंगे, ठीक है, ये दोनों आप मुझे बताइए, चलिए जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस करिए। तो चंबल का आप मुझे बताएंगे कि चंबल किस, मतलब किस, हाँ तो किसका ओरिजिन कहाँ से, और उसके वर्ड बना के मुझे कमेंट करेंगे। आप लोग कमेंट करते नहीं है फिर भी मुझे पता कैसे चलेगा कि आप देख रहे हैं और आप वीडियो पूरा देख रहे हैं, आपको कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हैं तो प्लीज नीचे कमेंट करिए इन दोनों को, अगर नहीं आता आपको तो आप वो भी बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका भी ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। तो आइए एक बार हम प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर से स्टार्टिंग से। तो पहला क्या दिया हुआ है, सिंधु, सिंधु ब्राह्मण ब्रह्मपुत्र, ठीक है, सिंधु ब्रह्मपुत्र, सिंधु ब्रह्मपुत्र का क्या करना चाहिए हमको, मानसरोवर, मानसरोवर करना चाहिए। साधु और ब्राह्मण का क्या करना चाहिए हमको, मान सम्मान करना चाहिए, तो मानसरोवर जगह झेलम, हमको झेल क्यों रहे, क्योंकि हमको नाग ने काटा हुआ है। चिनाब बारह लाचा, चिनाब क्यों बारह लाचा, क्योंकि जैसे चुनाव आता है बड़ा लालच देना स्टार्ट हो जाता है। रावी को प्यास लगी हुई है इसलिए रो रो के तंग हो गया। रोहतांग नरम और सोन, तो नरम गद्दा पे सोने से अमर हो जाते हैं, तो अमर कंटक। यमुना यमुनोत्री, गंगा गंगोत्री, गंडक नेपाल, सब पालना लेकिन गेंडा मत पालना, गंडक। महानदी सिवा, ठीक है, आइए महानदी में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे महानदी दिया हुआ, तो वो नदी जो शिव, यहाँ पे शिव है ना, सिवा, तो शिव भगवान के सर से निकलती है, वो महानदी है जो शिव भगवान के सर से निकलती है, शिव के सर से निकलती है वो महानदी है, तो महानदी सिवा। आप दूसरा ही बना के मुझे बता सकते हैं, फिर भी आप कमेंट करें दूसरा बना के। कावेरी कुवारी, अगर 30-40 साल लड़की या लड़का हो तो उसके सामने ब्रह्मा जी भी अपना सर नीचे रख दे, ठीक है। ब्रह्मगिरी, तो कृष्णा सबसे महाबलेश्वर है, तो सबसे महान और सबसे बलशाली तो महाबलेश्वर। लूनी का है नाग पहाड़ी, आप खूनी है क्योंकि आपने नाग को मार दिया पहाड़ पे रहते हुए
चंबल, चंबल का आप मुझे बताने वाले हैं, ठीक है। तो चंबल का आप मुझे बताएंगे, ये हो गए टोटल 13। चंबल का जाना पाव है, आप इसका बना के दिखाइए, ठीक है। जाना पाव, जाना पाव का आप मुझे बताएंगे कि चंबल को किस तरह से जाना पाव से जोड़ सकते हैं। तो ये हो गए टोटल 13। इसके जस्ट अगले वीडियो में फिर हम 13 और बात करेंगे, और फिर हम टोटल पूरे इंडिया में जितने रिवर्स है सबके ओरिजिन देखने वाले हैं, ठीक है। अगर इस वीडियो का भी रिस्पांस अच्छा रहता है, आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो इसकी इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करूंगा और आगे आपको जितने भी भारत में रिवर्स है सबको मेमोराइज करने की ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। लगभग आपको इतने रिवर्स की तो ट्रिक याद हो ही चुकी होंगी, ठीक है। आइए उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि किस तरह से और ज्यादा हम चीजों को मेमोराइज कर सकते हैं। बहुत सिंपल टेक्निक से मैं आर्टिकल्स भी आपको याद करा सकता हूँ, जितने आर्टिकल्स हैं हमारे उन आर्टिकल्स को भी याद करा सकता हूँ। पीरियड टेबल तो ऑलरेडी मैंने बाय हार्ट करा चुका है, सिर्फ कुछ एलिमेंट और बचे हुए हैं, वो एलिमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा तो आप फटाफट बोल सकते हो। कोई भी एलिमेंट का नंबर बोलने के बाद आप तुरंत एलिमेंट का नाम बता सकते हो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो भी वीडियो देखिए और पूरे मेमोरी ट्रेनिंग के कोर्स करिए। एक बार आपने पूरे मेमोरी ट्रेनिंग की कोर्स कर लिए तो आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। आप फटाफट चीजें मेमोराइज कर सकते हो, उनसे फास्ट मेमोराइज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास कुछ टेक्निक्स होंगी जो उनके पास नहीं होंगी, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, और नीचे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है। अगर आप इस सारी चीजों का पीडीएफ चाहते हो, जो भी मैं मेमोरी ट्रेनिंग लेता हूं तो आपको पीडीएफ के रूप में भी अवेलेबल करा दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप जाइए, क्लिक करिए, मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, ठीक है। वहां पे मैं सारी चीजें पीडीएफ में अवेलेबल करा देता हूँ, आप नेक्स्ट लेक्चर के अपडेट भी वहां कभी कभी देता हूँ। चलिए तो ये हो गए 13 रिवर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए रिवर को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।